अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद आज की वीडियो क्लास सेवन के लिए है चैप्टर सिक्स सी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन करने लगे अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाए वहां पर मैंने लिंक एड कर दिया हुआ इसके प्ले लिस्ट का जिसमें आपको सारे क्वेश्चन वन बाई वन मिल जाएंगे वैल्यू एडिड टैक्स वी ए टी वैल्यू एडिड टैक्स ओ 15% परसेंट वास्ट चार्ज ऑन एन आइटम विच कोस्ट रुपीज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जिसकी प्राइस है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और उसके ऊपर टैक्स जो है ना वो वैल्यू एडेड टैक्स जैसे एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस पे ना भी टैक्स हमें देना पड़ता है सो so, किसी एक ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके ऊपर उसने इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो फिफ्टीन परसेंट टैक्स जो है वो पे किया है तो अब हमने ये देखना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वी ए टी यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो भी टैक्स ऐड हुआ हुआ उसकी हमने अमाउंट फाइंड करनी है एंड द टोटल अमाउंट ऑफ आइटम इंक्लूसिव टैक्स यानी कि फिर हमने ना लास्ट पे जो टोटल अमाउंट होगी टैक्स इंक्लूड करने के बाद वो बतानी है कि कितने जो है ना वो प्रोडक्ट की चार्जेस होंगे तो सबसे पहले हम सिंपल गिवन डाटा लिख लेते हैं गिवन डाटा में हमारे पास रेट ऑफ रेट ऑफ वी ए टी यानी कि रेट ऑफ टैक्स 15 और इससे पहले आपने लिखना है uh, cost of product या cost of item. है तो simple, अब हमने करना अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स टैक्स की uh, हमने अमाउंट फाइंड करनी है सिंपल लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स तो इसके लिए क्या करना है जितना भी रेट होगा टैक्स का उसे मल्टीप्लाई कर देना होगा कोस्ट प्राइस से अब 15 परसेंट का मतलब हमें पता है कि डिवाइड में हमेशा 100 आएगा परसेंट की जगह पे 7500 अब हम इसमें जीरोस को कैंसिल कर देते हैं बाकी हमारे पास बचा 15 मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हम अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड कर सकें तो सिंपल मैं यहाँ पे 75 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 15 के साथ तो ये हमारे पास आ गया टोटल जो इंक्लूड होगा टैक्स उसके बाद हमने उसकी अमाउंट देखनी है तो सिंपल लिखेंगे टोटल अमाउंट अगर आप ये सारी वैल्यू लिखना चाह रहे हैं सारी स्टेटमेंट तो आप सिंपल लिख सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ आइटम उसमें हम सिंपल क्या करेंगे जो हमारे पास पहले से कोस्ट प्राइस थी उसे लिखेंगे और अभी अभी जो हमारे पास टैक्स की अमाउंट आई है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे यानी कि सेवेंटी फाइव सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी एक आइटम की तो हम इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव तो ये सिंपल हमने आंस फाइंड कर लिया है